नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र अपना राजू पहलवान। वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ द रेसलिंग, कुश्ती के नियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग। हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग ओल्डेस्ट गेम इन वर्ल्ड, ये सबसे पुराना गेम है। जैसे महाभारत, रामायण, चाइना, जापान, एंशिएंट ओलंपिक गेम में प्रसिद्ध था। यूनानी रेसलिंग हैज नोन एज पैलेस्ट्रा, यू यूनान में जो कुश्ती के हॉल थे उन्हें पैलेस्ट्रा के नाम से जाना जाता था। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स 708 BC रेसलिंग वाज अ पार्ट ऑफ द पेंटाथलन, जो 708 BC में जो पेंटाथलन एक ग्रुप ऑफ द स्पोर्ट्स, इसमें 5 इवेंट थे, उसका एक भाग था रेसलिंग। जैसे आपने पढ़ा होगा हेप्टाथलन, डेकैथलन, इन डेकैथलन में 10 इवेंट, हेप्टाथलन में 7 इवेंट जैसे होते हैं उसमें। जैसे अब इस प्रकार से हम बात करते हैं पेंटाथलन में 5 इवेंट थे, उसमें से एक था रेसलिंग। अब हम इस बात पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे रेसलिंग इंक्लूडेड ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक्स में। जैसे ग्रीको रोमन रेसलिंग 1896 एथेंस, जो ग्रीको रोमन रेसलिंग है उसे 1896 में एथेंस में शामिल किया गया था। फ्री स्टाइल रेसलिंग 1904 सेंट लुइस, जो फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसे 1904 सेंट लुइस में शामिल किया गया था। फीमेल रेसलिंग इन ओलंपिक 2004 एथेंस, जो फीमेल की जैसे महिलाओं की जो कुश्ती है उसे 2004 एथेंस में शामिल किया गया था। द फर्स्ट ओलंपिक चैम्पियन सुचमन जर्मन, जो फर्स्ट ओलंपिक चैम्पियन थे जो जर्मन के थे सुचमन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द रेसलिंग, यानी कि अभी आपने पढ़ा था फ्री स्टाइल और ग्रीको, ये क्या होती है अभी तो पता नहीं है आपको, जो हम बताएंगे अभी, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेसलिंग, ये दो प्रकार की रेसलिंग होती है। जैसे पहली होती है सोइल रेसलिंग, दिस टाइप्स ऑफ रेसलिंग प्लेइंग ऑन द सोइल, जो सोइल रेसलिंग होती है उसे मिट्टी पे खेला जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव देहातों में जो दंगल होते हैं ना, जो भारत केसरी, ब्रज केसरी जो बनते हैं, जैसे मिट्टी पे जो पैसों पे जैसे बॉडी के अकॉर्डिंग दी जाती है ना, जैसे 500 रुपये पे जो अपनी बॉडी वेट का लड़ेगा, जैसे इसमें कोई पहले से फिक्स नहीं होता है। जैसे कोई कुश्ती हो रही है 1100 रुपये की, 11000 रुपये की, 7 लाख रुपये की, जो कुश्तियाँ होती है ना वो होती हैं, जो इनामी तौर पे होती हैं। अब हम बात करेंगे मैट रेसलिंग की, जो मैट रेसलिंग, दिस टाइप्स ऑफ रेसलिंग प्लेइंग ऑन द मैट, ये इस टाइप की रेसलिंग है जो मैट पे खेली जाती है, जो अभी वर्ल्ड रेसलिंग में चल रही है। जैसे मैट रेसलिंग दो प्रकार की होती है, फ्री स्टाइल रेसलिंग कॉन्टैक्ट ऑल बॉडी, इसमें पूरा कॉन्टैक्ट करते हैं बॉडी पर, ये कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, ऊपर से सिंगल लेग अटैक या दो भी पछाड़, कोई भी टेक्निक हम इसमें यूज कर सकते हैं। और दूसरी होती है ग्रीको रोमन रेसलिंग, जो कॉन्टैक्ट ओनली अपर बॉडी, जिसमें अपर बॉडी को ही कॉन्टैक्ट किया जाता है, अपर बॉडी से ही थ्रो किया जाता है दूसरे अपोनेंट पहलवान को। नो कॉन्टैक्ट बिलो द वेस्ट, जो कमर से नीचे से अटैक नहीं किया जाता है, जैसे सिंगल लेग अटैक, डबल लेग अटैक, ये चीज़ नहीं यूज होती है इसमें। अब हम बात करेंगे रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो रेसलिंग को ऑर्गेनाइजेशन करता है उसे हम कहते हैं फिला, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे लोटस एसोसिएशन, जो हमारी 1912 में बनी थी। बट प्रेजेंट न्यू नेम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, प्रेजेंट में इसका नाम है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। करंट प्रेसिडेंट है इसके लेनर्ड लोनोबिकबो, इसका हेड क्वार्टर है कोर्सियोर सोर्वे स्विट्जरलैंड में। अब हम बात करेंगे WFI, यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की फेडरेशन है WFI, इसके करंट प्रेसिडेंट हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इनका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जो हमारे जो गोंडा के हैं, जो MP भी हैं, सांसद हैं वहाँ के गोंडा के। एशियन रेसलिंग वाइस प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह, जो एशिया में कुश्ती संघ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। जो अभी एक प्रतियोगिता हुई थी आगरा में, जो नेशनल लेवल वुमेन रेसलिंग चैम्पियनशिप थी नेशनल की, तो तब हम वहाँ पे मिले थे, इनका हमने स्वागत किया था, बहुत ही अच्छे आदमी हैं ये। अब हम बात करेंगे फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन रेसलिंग, जो फर्स्ट अर्जुन अवार्ड था जो उदय चंद पहलवान जी ने उन्हें 1961 में मिला था, जो हमारे हिसार यानी कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं।
फर्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो सुशील पहलवान जी को 2009 में मिला था। बहुत ही अच्छे पहलवान हैं ये, इनका तो कोई तोड़ नहीं है पूरे इंडिया में, क्योंकि इन्होंने 2 मेडल दिए थे भारत को ओलंपिक में। फर्स्ट वुमेन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो साक्षी मलिक 2016 को मिला था, ये भी बहुत अच्छी पहलवान है। द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड बीबी भागवत, जो फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड था जो बीबी भागवत जी को मिला था। अब हम बात करेंगे रेसलिंग मेजरमेंट, रेसलिंग मेजरमेंट के बारे में बात करें, 12x12 मीटर का इसका मैट होता है, डायमीटर ऑफ द मैट्स 9 मीटर, डायमीटर ऑफ द सेंटर सर्कल सरफेस 7 मीटर, विड्थ ऑफ द पैसिविटी जोन जो ऑरेंज कलर की होती है वो 1 मीटर की होती है, विड्थ ऑफ द प्रोटेक्शन एरिया जो प्रोटेक्शन एरिया होता है वो 1.5 मीटर का होता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म जो हाइट होती है जो मैट की 1.10 मीटर होती है, इनर डायमीटर ऑफ द सेंटर सर्कल वो 1 मीटर का होता है, द कलर ऑफ द मार्क्स ऑन द मैट जो रेड और ब्लू का होता है, जो मैट है रेड और ब्लू का होता है, ड्यूरेशन ऑफ द बाउट जो 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, इसमें 30 सेकंड का रेस्ट होता है, जो पहला राउंड होगा उसमें 3 मिनट का 3 मिनट दोनों पहलवान खेलेंगे, उसके बाद में 30 सेकंड का रेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 मिनट और खेलेंगे। जो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो जिसके ज़्यादा होंगे वो पहलवान विनर होगा दोनों राउंडों में टोटल करके, बट और भी इसके बहुत रूल हैं वो हम आपको बाद में डिस्कशन करेंगे। इन मैट की पिक ऐसी होती है जो आपको दिखाई पड़ रही है। अब हम बात करेंगे ओलंपिक वेट कैटेगरीज, जो ओलंपिक में जो वेट कैटेगरी होती है मेन फ्री स्टाइल रेसलर के लिए वो इस प्रकार हैं, 57 किलो, 65 किलो, 74 किलो, 86 किलो, 97 किलो, 125 किलो। अब हम बात करेंगे मेन ग्रीको रोमन रेसलर, अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी रेसलिंग 2 प्रकार की होती है, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल। अब ये ग्रीको रोमन के वेट कैटेगरी हैं 59, 66, 75, 85, 98, 130। अब हम बात करेंगे वुमेन रेसलिंग वेट कैटेगरी, जो महिलाओं की जो वुमेन की वेट कैटेगरी होती है वो इस प्रकार है, 48, 53, 58, 63, 69 और 75 किलो। रेसलिंग टेक्निक्स ये होती हैं, जो मेन टेक्निक होती हैं ये टेकिंग डाउन, पिन होल्ड, बैक थ्रो, नेल्सन एंड क्रॉच एंड हेड हॉक। उसके बाद करेंगे बात स्कोरिंग सिस्टम की, जो स्टैंडिंग पोजीशन टू आउट ऑफ द मैट 1 पॉइंट, टेक डाउन के 2 पॉइंट्स, स्टैंडिंग पोजीशन टू डेंजर पोजीशन 4 पॉइंट और बैक थ्रो के 5 पॉइंट। इसको कौन नहीं जानता बैक थ्रो को, जो अभी दंगल मूवी आई थी 2015 में तो हमारी गीता पहलवान जी हैं, गीता फोगाट पहलवान जी, उन्होंने 5 पॉइंट का अंक लगाया था। अब उसके बाद होती है पिन होल्ड एंड, यानी एक होती है वाई फाउल, जिसके किसी भी पहलवान के कितने भी पॉइंट क्यों ना हो अगर कोई पहलवान किसी को वाई फाउल चित कर देता है तो वह कुश्ती एंड हो जाती है, उस पहलवान को विजयी कर दिया जाता है। इसके ऑफिशियल्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि ऑफिशियल्स ऑफ द रेसलिंग, एक होता है इसमें मैट चेयरमैन, रेफरी, एक होता है जज, और इसमें एक जूरी होती है, जूरी में जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं तो वो अलग होते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे इंडियन रेसलिंग ओलंपिक, जो इंडियन रेसलर थे उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो इस प्रकार से हैं, KD यादव हैं, जो हमारे लखनऊ में स्टेडियम भी बना हुआ है इनके नाम से, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 हेलेंस की मेन फ्री स्टाइल 57 kg में। अब बात आती है सुशील पहलवान जी की, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2008 बीजिंग में, और फिर उसके बाद जीता था सिल्वर मेडल 2012 लंदन में, जो 74 kg में जीता था। फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल 2010 में इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। बहुत ही अच्छे पहलवान जी हैं ये। और फिर उसके बाद नंबर आता है योगेश्वर दत्त, जो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 लंदन में फ्री स्टाइल 60 kg में। फिर उसके बाद आता है साक्षी मलिक, ये लड़कियों की जो पहली ओलंपिक चैम्पियन ही, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2016 रियो डी जेनेरियो, जिन्होंने 58 kg में जीता था। फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ ओलंपिक मेडल, जो फर्स्ट महिला थी इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो हमारे साथ में फ़ोटो में है, क्योंकि वो हम भी पहलवान हैं इसलिए वो हमें मिली थी एक टूर्नामेंट में, तब हमने देखा था उनके साथ एक पिक ली। अब उसके बाद आता है रवि दहिया जी, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2021 टोक्यो में
57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में। फिर उसके बाद आता है बजरंग पूनिया जी। बजरंग पूनिया ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता था। ये तो इंडिया के होनहार पहलवान हैं इस टाइम नाउ अडेज। गीता फोगाट जी द फर्स्ट फीमेल रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010। जो नई दिल्ली में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, उन्होंने पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। लेकिन अभी हम 2022 की बात कर दें तो इसमें हमारे 12 पहलवान गए थे, 6 गर्ल्स और 6 बॉयज, उनमें से 12 मेडल आए, पहली बार हुआ है ऐसा। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।